ते क्या? जाओ वो देखो जाओ। कुछ लोग मिनिस्टर पर हमला कर रहे हैं। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अरे ये सब मिनिस्टर का नाटक है यार, वो मेरे यहाँ होते हुए ये सब क्यों करवा रहा है? जरा सोच एक बार कि हम लोग ये सब कुछ छाप दें और क्या। नहीं भाई, मुझे तो ये बिल्कुल असली लग रहा है। अबे यार तू भी धोखा खा गया ना, ये फिल्म एक्टर से भी बहुत बड़ा वाला एक्टर है, तू जानता नहीं है इसको? तू देखते जा इसको। चलंदर, क्या आप ठीक हैं? Irresponsible fellows, hey, मुझे सलूट क्या कर रहा है बे? एक सेंट्रल मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी बहुत हाई होनी चाहिए, और यहाँ मेरे प्लेन से उतरते ही मुझ पर हमला हो गया एयरपोर्ट पर पूरे पब्लिक के सामने। ये अगर ये आकर मुझे नहीं बचाता तो आज मैं मर चुका होता। Oh my God. सर, it's okay. सर, उस दिन वाला हमला नकली था, मैंने सिंपति के लिए किया था, पर आज वाला असली था, अनएक्सपेक्टेड। It's okay, सर, ठीक है। तुम मेरे जीवन दाता हो, मेरे दूसरे बाप समान हो। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए, इसका दूसरा मतलब हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं, आज से तुम मेरे दूसरे बाप हो। अरे सर, बोलो बोलो, जो चाहिए बोलो। ये एयरपोर्ट चाहिए तुम्हें? मेरी सारी फैक्ट्रियां चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो, मैं तुरंत दे दूंगा। सर सर, अगर आपको दिक्कत ना हो तो फ्लाइट से हम दोनों को वापस भिजवा दीजिए, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। अरे ये फ्लाइट तुम्हारी हुई, रख लो इसे, रख लो रख लो। अरे सर, मेरे घर में बाइक रखने की जगह नहीं है, मैं ये कहाँ रखूंगा सर, बस मुझे छुड़वा दीजिए। व्हाट अ सिंपल मैन, मेरा पिताजी। नमस्ते। नमस्ते, जाइए अब चले। हाँ। ना हाँ चल, अबे दो सैंडविच बच गए, वो भी खा लेना। दरवाजा बंद करो, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। बाय बाय, मुझे तुरंत हमला करने वाला।
अरे ये कौन है? सर 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 क्या आप बता सकते हैं हमला किसने किया सर? देखिए प्लीज मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आई एम सॉरी प्लीज। यहाँ से चलिए 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 यहाँ से। मिनिस्टर तक की रक्षा तो कर नहीं पाए, उन पर तो हमला हो गया, तो आप आम जनता की रक्षा कैसे करेंगे? इस घटना की हमें भी चिंता है। अगर मिनिस्टर पर हुए हमले की खबर फ्रंट पेज पर आई तो ये शर्म की बात होगी। यस सर। हमला करने वाले की खबर 6 पेज पर प्रिंट करना, ठीक है? रीडर्स की क्यूरियोसिटी को मेंटेन करके रखना होगा। फॉन्ट साइज को रखना, व्हाइट बैकग्राउंड रखना और लेटर्स को रेड रखना। ओके समझ गए। ओके सर, बढ़िया। लेकिन सर ये ओरिजिनल न्यूज नहीं है। तुम कौन हो? गगन दीक्षित फ्रॉम कोलकाता। यस, मैंने मिनिस्टर को हमले से बचाया था, पर बाद में पता चला कि सब कुछ नकली था। ये क्या है? एसडी कार्ड इससे कनेक्टेड था। पैसा कम है ब्रो, मैं सबको बता दूंगा कि ये सब मिनिस्टर नहीं करवाया है। मैंने तुम्हें वहां अटैक करने को कहा था, तुम यहाँ कर रहे हो। अरे मैंने तो इसके कहने पे हाँ कहा था। अरे मिनिस्टर ने ये नाटक करने को बोला तो हम क्या करेंगे भाई? पता नहीं, लेकिन सब बस नाटक था और कुछ नहीं। ओह गॉड, मिनिस्टर ने पैसे देके ये सब नाटक करवाया, बट व्हाई? और किस लिए सर? मौके का फायदा उठाकर सिंपैथी वाले वोट पाने के लिए। उन पर हमला हुआ तभी मुझे डाउट हुआ था। गोलियां तो चली मगर किसी को एक भी चोट नहीं आई। चेक किया तो गोलियां भी नकली थी। माइंड ब्लोइंग। बाकी न्यूज़पेपर वाले कल गलत खबर छापेंगे, पर हम ओरिजिनल न्यूज विद प्रूफ छापेंगे। ग्रेट, वेलकम टू बेंगलुरु।
अपने शहर में क्या वेलकम करवाना सर, मुझे तो बस आधे दिन की छुट्टी चाहिए सर। थैंक यू सर। एक और बात, कल की न्यूज में आप मेरा नाम मत लेना, उन्हें पता चल जाएगा उससे। अरे आप समझो, उनकी सच्चाई अब पेपर में छप गई है तो सर गुस्सा होंगे, तो उनकी बात का बुरा मत मानना, गुस्सा मत होना आप लोग। ए, वो कौन है? ए, कौन हो तुम? ये मैं हूँ। अबे वो कौन है? सर 12 बज गए, रिंग। ए, वहाँ कोई मेरी वाट लगा रहा है और तुझे रिंग की पड़ी है, बंद कर। मेरी बाई आंख सुबह से फड़क रही थी और मेरे साथ ये हो गया। पब्लिक के सामने इज्जत चली गई, इज्जत चली गई। मेरे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं था, पर उस जैसे को कैसे पता चल गया है? कौन साला वो? कौन है वो? कौन है? प्यारे दर्शकों, हम आज एक ऐसी लोकेशन पर है जहां 6 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। हमने सिनेमा के आज तक के पूरे इतिहास में ऐसा डायरेक्टर नहीं देखा है जो एक साथ 6 फिल्मों को डायरेक्ट कर रहा है। कार कब तक आएगी? हमारी टूट गई है। इतने सारे लोग, इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे टेक्नीशियंस, यहाँ पर एक बढ़िया शूटिंग चल रही है। तो आखिर इन सब के पीछे है कौन? आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है? चलिए जानते हैं कि कौन है वो जो 6 फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं। Got it, beauty. Break. धत, मैंने बाकियों को भी ब्रेक दे दिया। Hi, one minute. Come on. आपने कैसे 6 सिनेमास को एक ही वक्त में डायरेक्ट कर लिया? क्या आप कंफ्यूज नहीं हुए? क्या आपको इन अलग फिल्मों के अलग अलग सीन शूट करने में दिक्कत नहीं हुई? Hey, ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये व्यूअर्स की दिक्कत है। जानती हो, ऐसा करने से सारी 6 फिल्म हिट जाएंगी। वो कैसे? जो सीन किसी एक फिल्म में नहीं होगा वो दूसरी वाली में होगा, और उसमें छूटा हुआ सीन अगली मूवी में होगा। अगर लोगों ने सीधी आखिरी मूवी देखी तो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने सभी में कुछ ना कुछ छोड़कर उन्हें मिक्स कर दिया है। वो छूटे हुए सीन बाकी 6 सिनेमास में दिखेंगे जो मैं डायरेक्ट करूंगा अगले साल। अगर कोई डाउट हो तो अगले साल मूवी देख लेना। ए जूस! ए, मैंने जूस कहा था, ये तो टॉयलेट पेपर लग रहा है। ये 10 दिनों की शूटिंग का बिल है, मुझे अब तक पैसा नहीं मिला है। तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें मैं कोई आम डायरेक्टर लेता हूँ क्या? कभी तुमने किसी को 6 फिल्म से एक साथ डायरेक्ट करते देखा है? अलग अलग तरह के सीन शूट होते हैं, फाइट के, रोमांस के, इमोशंस के, तरह तरह के, कभी भी एक दूसरे से मिले भी नहीं है। अब ये वाला काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? जब फिल्म शुरू हुई थी तब बेचारे प्रोड्यूसर ने किडनी बेची थी, और जब शूटिंग शुरू हुई थी तब बेचारे को दूसरी किडनी भी बेचनी पड़ी थी, और ऐसे में अब तो वो मर चुका है बेचारा। इतनी सारी चीजें हो गई मेरे कारवां से बाहर आते और जाते समय, अब इससे कैसे पटाऊं? अब क्या करें सर? ये दे दो जब तक तुम्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल जाता। साले ने बीच रोड पे नंगा कर दिया, अगर पता होता तो थोड़े सिक्स पैक बना लेता। तो प्यारे दर्शकों, जो डायरेक्टर 6 मूवीज को डायरेक्ट कर रहा था वो आज यहाँ पर बस चड्डी में खड़ा है। सर, ये क्या है? तुम्हें अच्छी टीआरपी मिलेगी, कहो तो ये चड्डी भी उतार दूं। डर गई। हेलो। हेलो, तू कहाँ यार? तू बैंगलोर में? हाँ। ए, मैं सारी शूटिंग रोक कर अभी आता हूँ। ठीक है। बैकअप बैकअप बैक। फोन काट दिया। हे, बस कर यार, कुछ ज्यादा ही खा रहा है तू। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ गए हो और होटल में रह रहे हो? अबे तू कॉल नहीं कर सकता, और तू अपना फोन रखता कहाँ पर है? हमेशा नॉट रीचेबल आता है। सच में? हाँ भाई, नेटवर्क अच्छा है इसीलिए अपनी चड्डी के पॉकेट में रखता हूँ। तुम्हारा टावर सही होगा तभी तो नेटवर्क आएगा। क्या? जल्दी खाकर बाहर आ जाना। आज कस्टमर केयर में बोलता हूँ कि टावर अच्छा नहीं है। कितनी अच्छी खुशबू है यार।
मेरा फोन तो बज नहीं रहा, तो ये किसे कॉल कर रहा है? नहीं लग रहा गुरु, मेरा फोन शर्ट पॉकेट में था, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम। अबे तेरे यहाँ पर होते हुए तुझे मैं क्यों कॉल करूंगा बोल। करेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट आदमी है, उसका फोन 2 महीने से नॉट रिचेबल आ रहा है। मैं बैंगलोर उसी आदमी के लिए आया हूँ, उससे मिलने के लिए। कुछ बात है जो मुझे उससे जाननी है, इसीलिए आया। कौन है वो बंदा? बताऊंगा। अपनी बाइक उठाओ, मैंने रहने के लिए घर किराए से ले लिया है, समझ गया? पहले वहां चलते हैं। तुम्हें कन्नड़ में बोलते देख दिल खुश हो गया। तुम इतने सालों से कोलकाता में थे, फिर भी इतनी अच्छी कन्नड़। हाओ ए, कोलकाता ही क्यों, मैं कैलाश भी चला जाऊं तब भी उनसे अपनी मातृभाषा में ही बात करूंगा, समझ गया ना तू? मेरी फिल्म के लिए अच्छा डायलॉग मिल गया। चल ठीक है, ओके चले। अब से मैं भी कन्नड़ ही बोलूंगा। बस बस बस, रुक जे, टूलेट का बोर्ड भी लगा हुआ है। क्या सर, आप यहाँ पर रहने के लिए आए हो क्या? हाँ, अरे नहीं सर, शाम के 6 बजे के बाद तो मैं इस रोड पे टमाटर भी नहीं बेचता, और आप लोग तो सीधा यहाँ पर रहने के लिए चले आए। यहाँ पर रहना मतलब सुसाइड करना है सर, इस घर में भूत है, ये भूतिया घर है। कौन बोला, किसने बोला मेरे घर में भूत है? अभी देखता हूँ उसे। निकल यहाँ से, चल। अपना धंधा नहीं कर पा रहा तो मेरे घर को भूतिया बोल रहा है? मेरा घर को भूतिया बोलता है? तेरी बोटी बोटी तोड़ दूंगा मैं, तू समझता क्या खुद को? तेरी सारी सब्जियां फेंक दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। भाग यहाँ से, चल। उसका ठेला आइंदा देखना मत। निशान इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ भी देखो। निशान देखो, एक बात बताओ, मैं तो रोजाना प्रार्थना करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, क्या ऐसे में कोई भूत मेरे घर में रात में आ सकता है क्या? बताओ जरा। देखिए ऐसी बात नहीं है, उन्हें आपसे डर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सही, पता नहीं तुमने मेरी तारीफ की या बेइज्जती, पर मेरे दिल को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आओ अंदर आकर देखो ना। देखिए सर, मैंने वेबसाइट में घर देखकर सीधा यहाँ पर आया हूँ, अभी सीधे पॉइंट पर आता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, किराया कितना? तुम्हारा बजट कितना है? देखिए सर, हम दोनों बैचलर हैं, तो 5-6 हजार ठीक है, चलेगा। अरे सर, उसके घर में मत जाना, उसका घर भूतिया है। तू अभी तक गया नहीं, फिर से बोल रहा है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो सब्जियों के साथ जमीन में गाड़ दूंगा, हमारी नींद हराम हो जाएगी। अरे बस कर यार, तू चुप रह। मैं एडवांस देता हूं। मुझे एडवांस नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बस अंदर आओ। देख भाई, यहाँ पे सच में भूत है, इसीलिए ये एडवांस नहीं ले रहा है। क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे क्या क्या भूत हो सकता है? तू मुंह बंद। क्या कहा तुमने? ये लीजिए, आप पैसे लीजिए, मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ सर। सच में? ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। थैंक यू, मिलते हैं। दूसरा घर देखते हैं, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। भूत। हेलो सन कमीनी औरत, तू अपनी माँ के पास ये कह के गई थी ना कि यहाँ पर भूत है? अरे अब मेरे पास किराएदार है, जल्दी वापिस आ, जल्दी वापिस आ। इसकी अब जरूरत नहीं है। मेन स्विच कहाँ है यार? क्या मस्त पेंटिंग है। वाओ, नाइस पेंटिंग। बेल्स, वॉच, सब एंटीक पीस है। नाइस, पर कोई एंटी नहीं है। यहाँ तो कुछ लाने की भी जरूरत नहीं है। मकान मालिक ये आलिशान कमरा दे रहा है, वो भी सिर्फ 6,000 रुपए में। यहाँ जरूर कुछ तो लोचा है। क्या वो सब्जी वाला सच बोल रहा था? हो सकता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। बेवकूफों वाली बात मत कर तू, हर इंसान में भगवान और शैतान दोनों होते हैं। अब तू खुद को ही देख ले, जब तेरी मूवी शुरू होती है तो प्रोड्यूसर तेरे को भगवान लगता है। सही हाँ, बोला ना हाँ? जब मूवी प्रोड्यूसर रोक देता है तो वही शैतान बन जाता है। हम इंसान है यार, हम अपने हालात के हिसाब से भगवान को मानते हैं। यहाँ भूत हुआ भी तो मुझे कुछ नहीं करने वाला, ये मेरा विश्वास है। क्यों, भूत को कैसे पता कि तू पावर स्टार हो? नहीं, मेरे पिताजी ने नक्षत्रों को देखते हुए पूजा की है। ओ सॉरी, और नक्षत्रों के हिसाब से ही उन्होंने मेरे हाथ में ये धागा बांधा है, ये देखो। हाँ। अच्छा, इस धागे की पावर क्या है? ये लो अपने बेटे के सीधे हाथ में बांध दो।
देखो बेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम हमारे शास्त्रों और भगवानों को नहीं मानते। अगर तुम अपने पिता की सच में इज्जत करते हो तो इसे बांध लो, क्योंकि तुम एक जर्नलिस्ट हो तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जगहों पर जाना पड़ता है। मैं ये पवित्र धागा बांध रहा हूँ ताकि बुरी बलाएं तुमसे दूर रहे। देखो बेटा, तुम्हारा जो ग्रह है वो सही जगह पर बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा हाथ आगे लाओ। पिताजी, मुझे इन पर विश्वास नहीं है। मैं इसको पहनूंगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी? हाँ मिलेगी। तो बांध दीजिए। तुम किसी नास्तिक की तरह बात करते हो, तुम्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए। ये कहानी है? कमाल है यार, तुम्हें भूत से डरने की जरूरत ही नहीं है, पर भगवान से तो है। मैं नहीं डरता, मुझे ऐसा यकीन है। वो क्यों? जब मैंने बचपन में भगवान को बुलाया था तो वो पिलर से निकल कर आए थे, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अगर अब मैं बुलाऊं तो क्या वो नहीं आएंगे? सही है, अगर तुम बुलाओ तो भगवान क्या, तुम्हारे सारे फैंस भी आ जाएंगे। अरे क्या हुआ, सपना था, सो जाओ, सपना था। सपना? मैंने मुंह दिया? अरे वो भी सपना था, सो जाओ यार। जब से हमने मिनिस्टर पर हुए नकली हमले के बारे में बताया है, तब से हर एडवर्टाइजमेंट से उसने हमारा नाता तोड़ दिया है। ये तो सुपर न्यूज है सर, ये कल की हेडलाइंस होगी सर। तुम समझे नहीं, हम इतनी बड़ी न्यूज पेपर कंपनी बिना एड्स के कैसे चलाएंगे? प्रैक्टिकल बनो। मैं मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ ताकि उसके बारे में अच्छा आर्टिकल लिख सके। तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। हम जानते हैं कि वो आदमी लोफर है सर, तो फिर अच्छा कैसे लिख सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। प्लीज, यू शुड डू इट। सर मैंने सुना है कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर पॉलिटिशियन पेन कंपनी का मालिक बन जाए तो पेन को और तेज होना ही पड़ेगा। हाँ, ये सब देखने के बाद मेरा मन इस जॉब को छोड़ने के लिए कर रहा है सर। इमोशनल मत बनो, हम 2019 में जी रहे हैं, हमें समय के हिसाब से जीना चाहिए। अगर तुमने रिजाइन दिया तो इसका असर बाकी इम्प्लॉयज पर भी होगा, सब तुम्हारे हाथ में है। प्लीज आप सेंटिमेंटल मत होइए सर, मेरी ज्यादातर फैमिली ऑडियंस है सर। मैं लिखूंगा, आपके लिए लिखूंगा, ओके? और मैं जाऊंगा। ओके ठीक है, बोलना मत, कल पक्का। ओके मैं जाऊंगा। हेलो सर। हाय, मेरे दोस्त का नंबर 2 महीनों से नॉट रीचेबल आ रहा है, क्या आप नंबर से एड्रेस निकाल सकती हैं? वो आपका अच्छा दोस्त है तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए ना। सॉरी सर, पर हम आपको एड्रेस नहीं दे सकते। देखिए बात, अरे यार तुम इस असिस्टेंट से क्या बात कर रहे हो? हेलो, मैनेजर को बुलाओ, जाओ। मैडम, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का एड्रेस मांग रहे हैं। सॉरी सर, जब तक ये गवर्नमेंट पर्पस के लिए ना हो हम एड्रेस नहीं दे सकते। मैडम, आई एम जर्नलिस्ट। ओह जर्नलिस्ट, तब तो नो चांस। ओए, अब तू मेरा जादू देख। नीचे देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। मुझे समझते क्या हो? अगर तुम जैसे को एड्रेस दिया तो अपनी जॉब पक्का खो दूंगी मैं। देखो बेल बजी, मतलब सही कह रही हूँ। हेलो, फालतू की बकवास क्यों कर रही हैं आप? सीधा बोलिए कि नहीं देना है। पर मेरे को एक डाउट क्या? है, अभी आपने घंटी की बात की है, मैं समझ सकता हूँ कि आप थोड़ी सी मीराबाई टाइप की लड़की है, भक्ति वाली।
हाँ, तो क्या जब आप भगवान से मांगती हो तो बदले में तभी कुछ देती हो राइट, और उसको आप क्या कहती हो, घूस ना। देखियो उनका काम हर एक इंसान के लिए है, यही रूल है। अगर आप एड्रेस देंगी तो हमारी मदद होगी, इसीलिए हमने मांगा था। चल यार रख लो। वो सही था है ना मैम? हाँ, अब मुझे याद आया। ओह शिट, मैंने भगवान से कहा था कि मेरा प्रमोशन हो गया तो 108 रुपए चढ़ाऊंगी। ओह मैं ये काम करके आती हूँ, यू कैरी ऑन ओके। यार वो मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे खुद सच्चाई की मूरत हो। लोग पैसे के लिए सब करते हैं, पर उसने एड्रेस तक नहीं दिया। अबे ये कौन गाना बजा रहा है? मेरे बीने के बाद गाना बजा रहा है? तेरी चोर रुक, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अभी पी रहा हूँ तो मेरे हिसाब से गाना बजना चाहिए। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। ये तो बंद हो गया। गुड बाय, यू आर अ गुड बॉय। बाय। हाय, ये लाइट किसने चालू की है? ये भूत है। मैं उसके पास जाता हूँ। ये तो शांति से सो रहा है, ये इस धागे की शक्ति है। मैं पकड़कर सो जाता हूँ। मैंने लोगों को पर्स या चैन चुराते हुए देखा है, धागा चुरा रहा है बे, पागल हो गया। मैं चुरा नहीं रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, पर तुम मानोगे नहीं, मैं भी सुरक्षित रहूं इसलिए धागा पकड़कर सो रहा था। कुछ नहीं होगा, सो जा, दारू की बात सारी जाकर और पी ले, क्वार्टर पिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाके पी ले, चल निकल। ऐसा क्या, ठीक है, दारू तो खत्म, बाहर जाकर ही देखता हूँ कुछ है कि नहीं। केशवा। कौन है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? केशवा। कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन है, कौन है, कौन है? भूत, 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 मैं हूँ नामदेवा। मैं तो बस देख रहा था कि तुम लोग अच्छे से सो रहे हो या नहीं। ए, पागल है, तू दूर से नहीं देख सकता क्या? पूरी रात मैं यहाँ पे डर के मारे सो नहीं पाया, और ऐसा सुंदर चेहरा दिखाओगे तो दिन में भी नहीं सो पाऊंगा। अरे, पर इसके लिए ये जूते चप्पल ऐसे रखने की क्या जरूरत है? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? सर आप खड़े क्यों, बैठिए ना। नमस्ते जी, सब ठीक है? टॉयलेट में पानी बराबर, इंसान के लिए जरूरी है। सब ठीक है सर। सही गाना, सही गाना, डेफिनेटली। अब एक बात बताओ, इस आलीशान घर का किराया जिसमें सब सुविधाएं हैं, सारी सहूलियत है, सिर्फ 6,000 है उसका किराया, वो भी बैंगलोर जैसे शहर में, कैसे? अच्छा छोड़ो, एक काम करना, ज्यादा कुछ नहीं, बस अगले महीने से किराया 25,000 देना, सब ठीक। चलो भाई, आज के आज ही ये घर छोड़ देंगे, ये कुछ ज्यादा ही किराया मांग रहा है। भाई मुझे लगता है इस घर में सिर्फ हम दो नहीं बल्कि एक और कोई है। गलत, तुम गलत बोल रहे हो, ये सब कहानियां बना रहे हो क्योंकि मैंने किराया बढ़ा दिया। गलत मोटे, क्या इस घर में सच में कुछ हुआ था क्या? भाई कल के हादसे से मैं पूरा हिल गया हूँ, तुमने सोने के लिए मुझे धागा भी नहीं छूने दिया, इसीलिए मुझे सोने के लिए जूते और चप्पलों का सहारा लेना पड़ा। ऐसा क्या? हाँ,
इसका मतलब इस घर में भूत है, हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। ए, 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 कल की बात है, उसकी चिंता मत करो। कल मैंने रिश्तेदार की शादी में ज्यादा खा लिया था, शायद वो मेरे पेट के साउंड इफेक्ट था। गलत मत समझना, हम एक परिवार हैं, हम बहुत अच्छा परिवार है। पैसा तो क्या कम ज्यादा होता ही रहता है, हाँ तो हम क्या करें इसमें। ठीक है सर, ज्यादा किराए के बारे में हम नहीं सोचेंगे, अब से हम किराया सिर्फ 6,000 रुपए देंगे। अरे क्या तुम कम किराए के लिए मुझे मार दोगे? ए, कहाँ है भूत यार? कहाँ ना मेरे पेट की आवाज थी, अपने दोस्त को पहले कहो सर की पीना बंद करे, वो पगला गया है। अब 6,000 फिक्स है, ठीक है फिर, ये फिक्स अमाउंट है, टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, जूते दो, हर जगह जूते, जूते से नहीं तुम्हारी धोती से। अपना जूता मत भूलना, वो एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने पर, उसे नहीं पता कि मैं ड्रामा किंग हूँ। सुपर यार, तूने भूत की कहानी बनाकर उस आदमी से अपना काम निकलवा लिया। अच्छा मुझे याद आया, एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा, ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। हे गुरु, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, सच बोल रहा हूँ, ये दोनों ही मुझे मार के दम लेंगे। या कम इन। कहिए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम्हारे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदलने नहीं चाहिए, मेरे आदमी तुम्हारे शोरूम के अंदर हैं। उनसे कहो सारा पैसा काउंटर पे खड़े हमारे आदमी को दे दे। हेलो, यस मैम, देखो वहां आकर कोई कुछ भी मांगे दे देना, ठीक है? ओ भगवान, मुझे बचा लो। तुम आ गए, अब आ ही गए हो तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। मैडम, आप ये सब डिजर्व करती हैं। जिसे आपको बचाना चाहिए था उसे आपने भगा दिया और एक चोर को अपने केबिन में आने दिया, इसीलिए आप ये सब डिजर्व करती हैं। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, ना कि आपकी तरह। कैसा भी आदमी हो मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। इंसान होने के नाते मैंने एक चीज सीखी है कि हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मुझे प्लीज एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, पता है कि आप नहीं देने वाली। ऐसा मत सोचो, बेचारा अच्छा इंसान है, मैंने उस दिन बिना वजह ही चला दिया उस पर। बिल्कुल सही, लड़कों को उसकी तरह होना चाहिए। जब मैं मुश्किल में थी तो उसने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। सही सही। हे मेरे भगवान, आज तो ज्यादा घंटी बज रही है, मैं कल जाकर उसे एड्रेस दे दूंगी। हेलो हेलो, मैं साक्षी बोल रही हूँ। ओ आप, बोलिए मैडम। मेरी असिस्टेंट के पास तुम्हारा नंबर था, तुमने कल मेरी काफी मदद करी, मैंने तुम्हें कॉल किया ताकि तुम्हें एड्रेस दे सकूं। ओ वाओ, आपके फोन में बजने वाली घंटी की कैसे? हाँ, उसी से परमिशन लेकर तुम्हें कॉल किया है। तुम्हारी घंटी का शुक्रिया, जो टीवी की तरह रिपीट टेलीकास्ट की जगह जल्दी काम हो गया। तो कहाँ मिलोगे? एड्रेस के लिए मिलने की क्या जरूरत है, एक मैसेज सेंड कर दो बस। देखो मैसेज किया तो वो सबूत हो जाएगा और मैं फिर पकड़ी जा सकती हूँ, मिलकर तू तो चलेगा। ओ देखो, आज मेरा एक मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे दोस्त पर भरोसा नहीं है, तो काम खत्म होने के बाद मिलते हैं। तो ठीक है, मैं सीधा ऑफिस ही आ जाऊंगा। तो क्या कॉफी शॉप पर मिले?
कॉफी शॉप पर। ठीक है। यस। लगता है तुम कुछ और ही करने की सोच रहे हो। अरे जाने दे, बकवास कर रहे हैं। एक मिनट, बिल का पैसा तो दे। वैसे इंटरव्यू किधर है? पूछो। आमतौर पर पॉलिटिशियंस भगवान से बहुत ज्यादा डरते हैं। सिर्फ भगवान ही नहीं, ग्रह नक्षत्रों में और बहुत सारी चीजों को मानते हैं और डरते भी हैं। भूत और हॉरोस्कोप में भी मानते हैं। अगर इसका सिर्फ थोड़ा सा भी परसेंटेज आप लोग हमारे देश में मानते तो हमारे देश की हालत अब तक बहुत ज्यादा सुधर चुकी होती, देश तरक्की कर चुका होता सर। इसका इरादा कुछ करने का है। मेरा घर किधर है? चलिए छोड़िए सर, हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। ओके। जैसे सर आपकी सैलरी कितनी है? क्या सैलरी मेरे लिए? ओ, मेरे ख्याल से सैलरी से ज्यादा तो इनकम आप दूसरे तरीकों से कमा लेते होंगे। कितना परसेंटेज लेते हैं सर काम का? ये डायरेक्टली पूछ रहा है। ये इंटरव्यू है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। सर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू है सर। गुरु मैं ये सैंडविच खा लूं? हाँ यार बिल्कुल, इसीलिए तो ये यहाँ पर है ना सर। आपने इलेक्शन में कितना खर्चा किया सर, और जीतने के बाद आपने कितना कमाया सर? मेरे मजे ले रहे हो? तुम्हें पॉलिटिशियन का मतलब पता है? हैं? राक्षस होता है इसका मतलब। रावण, जरासन, कुंभकर्ण, दुशासन, जो राक्षस बोलो वो दर्शाता है पॉलिटिशियन। इन सभी राक्षस की क्वालिटीज को मिलाकर बनता है एक पॉलिटिशियन। हाँ हम खर्चा करते हैं और कमाते भी है, करते हैं ना हम, ये हमारा काम है। पर इसे छुपाना और हमारे बारे में अच्छा लिखना ये तुम्हारा काम है। ओके सर, आपने जो कुछ भी कहा मैं लिख देता हूँ सर। मैंने जो बोला वो बस बताने के लिए था, लिखकर छापने के लिए नहीं। तुम्हें पता है पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पता है एक विलेज काउंसिल इलेक्शन को जीतना कितना मुश्किल होता है? मुझे तो लगता है मुझे पार्लियामेंट में होना चाहिए। जानते हो इस मिनिस्टर की पोस्ट को पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैंने लोगों को पैसे दिए और पूजाओं में भी पैसे लगाए। पुजारियों की तो बात ही नहीं की। जीतने के बाद ये सब पैसा वापस हासिल करने में क्या दिक्कत है? इंटरव्यू के शुरुआत में तुम क्या कह रहे थे? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, क्या है वो? यही तो है वो सर। मैं लिख सकूं ऐसा कुछ बोलिए सर, आपने जो बदलाव लाए हैं उसके बारे में पूछ लिया। मैंने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में बहुत बदलाव लाए, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई सारी कंट्रीज। सर मैं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ, आपके एरिया के डेवलपमेंट के बारे में बताइए सर। वो एक्चुअली सेक्रेटरी फाइल तो आप कहाँ जा रहे हैं सर? कुछ ऐसा अच्छा नहीं जो आपने किया हो आपको याद हो? गुरु क्या इसका पैसा देना होगा? ये हमारा ही पैसा है, हम टैक्स देते हैं ब्रो। सही कहा ना सर? सर एक बात याद रखिए, पॉलिटिशियन राक्षस शब्द का कॉम्बिनेशन नहीं है, ना कि जैसा आपने बताया वैसा है। सच्चाई तो ये है कि एक पॉलिटिशियन वास्तव में राजा होता है जो अपने प्रजा की पूरे दिल से रक्षा करता है और प्रजा के दुख सुख का पूरा ख्याल रखता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं सर। सर आप अच्छे काम कीजिए सर, इंटरव्यू में हमेशा आपके बारे में ही लिखूंगा। सच में फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आई एम हैप्पी। हम बेल्लारी में हैं, अब हम बेंगलुरु कैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा। ब्रदर। हाँ? हेलो ब्रदर। हाँ? अपने एडिटर को मेरा आभार देना। हाँ, उससे पसीना निकल रहा है। मुझे नहीं लगता फ्लाइट में एयर कंडीशनर था। इस इंटरव्यू में मेरी बेइज्जत।
जाओ, वो देखो कुछ लोग मिनिस्टर पर हमला कर रहे हैं। तुम भी जाओ। अरे ये सब मिनिस्टर का नाटक है यार, वो मेरे यहाँ होते हुए ये सब क्यों करवा रहा है, जरा सोच एक बार कि हम लोग ये सब कुछ छाप दें और क्या। नहीं भाई, मुझे तो ये बिल्कुल असली लग रहा है। अबे यार तू भी धोखा खा गया ना, ये फिल्म एक्टर से भी बहुत बड़ा वाला एक्टर है, तू जानता नहीं है इसको, तू देखते जा इसको। चल अंदर। क्या आप ठीक हैं? Irresponsible fellows, hey, मुझे सलूट क्या कर रहा है बे? एक सेंट्रल मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी बहुत हाई होनी चाहिए, और यहां मेरे प्लेन से उतरते ही मुझ पर हमला हो गया एयरपोर्ट पर पूरे पब्लिक के सामने। ये अगर ये आकर मुझे नहीं बचाता तो आज मैं मर चुका होता। ओह माय गॉड सर, इट्स ओके सर। उस दिन वाला हमला नकली था, मैंने सिंपैथी के लिए किया था, पर आज वाला असली था, अनएक्सपेक्टेड। इट्स ओके सर, ठीक है। तुम मेरे जीवन दाता हो, मेरे दूसरे बाप समान हो। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए, इसका दूसरा मतलब हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं, आज से तुम मेरे दूसरे बाप हो। अरे सर बोलो बोलो सर। जो चाहिए बोलो। ये एयरपोर्ट चाहिए तुम्हें? मेरी सारी फैक्ट्रियां चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो, मैं तुरंत दे दूंगा। सर अगर आपको दिक्कत ना हो तो फ्लाइट से हम दोनों को वापस भिजवा दीजिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। अरे ये फ्लाइट तुम्हारी हुई, रख लो इसे। अरे सर मेरे घर में बाइक रखने की जगह नहीं है, मैं ये कहाँ रखूंगा सर, बस मुझे छुड़वा दीजिए। व्हाट अ सिंपल मैन है मेरा पिताजी। नमस्ते। जाइए अब चले। हाँ। ना हाँ चल, अबे दो सैंडविच बच गए, चलो खा लेना। दरवाजा बंद करो प्लीज, दरवाजा बंद कर दीजिए। बाय बाय। मुझे तुरंत हमला करने वाली हुई है। सर ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था, सीधे गेस्ट हाउस चलो। आपने अपने रिंग बदले के बारे में सारी खबर चाहिए, इसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। ए गुरु, मिनिस्टर ने तो तुम्हें कुछ भी मांगने को कहा था, तुम उसे मेरा प्रोड्यूसर बनने को कह सकते थे, मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाती। ए ये तो शुरुआत है, अब से मैं जो कहूंगा मिनिस्टर वही करेगा। अभी हम साक्षी से मिलते हैं। हे उसे कहो कि अपने दोस्तों को भी लाए, जरूरत नहीं है।
हेलो, हाय साक्षी, हम किस कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? कॉफी शॉप? मेरे ऑफिस आ जाना। सुबह उसने कॉफी शॉप में मिलने को कहा था, अब वो मुझे अपने ऑफिस बुला रही है। अरे भाई, कुछ तो मिसिंग है पक्का। अगर तुम मिस्ड कॉल्स करोगे तो सब मिसिंग ही होगा। करेक्ट मैडम, हमारे बॉस को देखने के बाद हर कोई देखते रहता है, पर हमें एक काम है, एड्रेस दे दो तो हम चले जाएं। मैंने यहाँ तुम्हें एड्रेस देने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर? उस दिन मुझे हीरो बनकर जो तुमने बचाया उसका राज पता चल गया है। एक अनजान अंकल ने मुझे तुम्हारे इस नाटक में फंसने से पहले बचा लिया। ये ले, ये उस हमले के गुंडों का बिल। ये तुम्हारा कमीशन काट के है ना? बॉस, वैसे हमने ज्यादा खर्चा कर लिया है, मकान का, बिजली का, बाइक का, पेट्रोल का, सब चीज का। तुम्हें वैसे इतने से पैसे की चिंता क्यों है? हमारे लड़कों ने मस्त एक्टिंग की है। अच्छा, क्या कलाकार की कोई कीमत होती है क्या? बताओ बताओ। ठीक है, चलो चलो। मैंने 300 रुपए SMS पैक पर भी खर्च किए हैं, उसका पैसा भी देना होगा। अबे बस कर यार, तू कितना बोलता है। कमीनो, तुम मेरे घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी ड्रामा करते हो। अब मैं आग में घी डालूंगा, मजा ही आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। मौका मिलने दो, उस लड़की को तो मैं सब सच बता दूंगा। ओ, तो सब कुछ ऐसे हुआ है? उस भूतिया मकान का मालिक हमें टॉर्चर कर रहा है। तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, भगवान मेरी साइड पर है। हेलो, क्या क्या पापा? हे साक्षी, वो गिर गई। हेलो हेलो साक्षी, फोन पर कोई है, बात कर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? प्लीज उन्हें बता दीजिए कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया है। अरे क्या कह रही, वो बेहोश हो गई है। अयो, क्या हुआ? पहले एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सर सर सर, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। क्या, सर क्या कह रही हो तुम? प्लीज सर। हेलो अप्पा जी, बोल रहा हूँ। सर, मुझे आपसे एक अर्जेंट हेल्प चाहिए सर। मेरी एक फ्रेंड के फादर को हार्ट अटैक आ गया है, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है सर। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम मृत्युंजय मंत्र बोल रहा हूँ। पहले उन्हें बचाइए सर, आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं सर, प्लीज। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उनका जीरो ट्रैफिक में प्रबंध करता हूँ और तुरंत किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाता हूँ, ठीक है? कमिश्नर को कॉल करो। जी सर। सर, मैडम को क्या हुआ? हाय साक्षी, अब कैसा लग रहा है? पापा कैसे हैं? हमने ऑपरेशन कर दिया है, घबराने की बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली ये इन्हें जीरो ट्रैफिक में यहाँ लाए हैं, इन्हें थैंक्स कहिए। हाय, फीलिंग बेटर? थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, टेक केयर। अच्छा साक्षी, लाइफ में कोई भी चीज बिना कारण की नहीं होती। मैं अनजान होके भी तुम्हारे पापा की जान को बचा पाया। इसी तरह एक इंसान मेरी जिंदगी में आया और फिर चला गया। मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं एड्रेस पूछ रहा था। माफ करना अगर तुम्हें उस नकली हमले से तकलीफ पहुंची हो। आई एम सॉरी। ओके, गेट वेल सून। क्या हुआ? मैंने कहा था ना यह भूत है, तुमने नहीं सुना। अब देखो भूत वहां पे खून बरसा रहा है, खून। कौन है ये? हाथ मत लगा। अबे तुम कहाँ जा रहे हो यार? वो डर गया है। रुक रुक रुक, डर मत। ये छत पे क्यों जा रहा है?
पापा साले कमीने बेवकूफ गधे कहीं के एक नंबर के भिखारी बासी तरकारी साले बुड्ढे तू यहाँ पे बैठा हुआ डाई लगा रहा है। तू इतना बदसूरत है कि तुझे बाल डाई करने पड़ रहे हैं। तुझे टैंक के पास ही टूटा हुआ डाई कंटेनर लेकर बैठना था और वो पानी मुझ पे गिर रहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला बोल, बोल। तुम मेरी बात है झेल पाओगे? तुम एकदम पागल हो, बिना बटन के शर्ट हो, बिना साउंड के स्पीकर हो, बिना पानी के टैंक हो, बिना रिफिल के पेन हो, बैटरी के मोबाइल हो, बिना बीज के अंगूर, अंगूर हो, अंगूर हो, बिना बीज के अंगूर हो। अरे तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप, तू चुप कर। अब मैं बाल डाई करने जा चाहिए तू यहाँ से कूद के मर जा, समझा मोटे काले गधे सुअर। अरे ये मकान केशव, दूसरे क्या कर रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले कमीने मोटे गैंडे। तू छोड़ मुझे, आज उसकी बैंड बजा के आता हूं। शांत हो जा। अरे जाने दे, छोड़ अबे टॉवल गिर रहा है, छोड़। शांत हो जा। उस साले मोटे ने देख मुझे कितना शराब दिया कि मैं कांप रहा हूं। इस घर में अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। हम शांति से जी रहे हैं क्योंकि तुम्हारा धागा है। ए, तुम्हारा धागा कहां गया? कहां गया? अभी तो हाथ में था। अरे यार, अब तक मुझे डर नहीं लग रहा था, अब मुझे डर लगने लगा है। कहां गिरा होगा भाई? ओ, तुम दोनों की लड़ाई में कहीं गिर गया होगा। खैर जाने दे, वैसे भी मैं उसे निकालने ही वाला था। अच्छा हुआ वो खुद ही गिर गया। तेरे को इससे क्या बे? चल उठ। मेरा टाइम ही सही नहीं चल रहा है, धागा कहीं गिर गया और इसे भगवान और शैतान में विश्वास नहीं है। पता नहीं क्या होगा। क्या है? क्या तुमने मुझे जगाया? बोल। तुमने मुझे जगाया और बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें जगाया? सब छोड़ो, चलो सो जाओ। हाँ? गुरु, अब जब तुमने धागा खोल ही दिया है तो तुम्हें पता चल रहा है ना कि यहाँ भूत है। ए, सो जा तू, चल। भूतिया कहानी बना रहा है फालतू में। बॉस तुम मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हो? मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा बॉस। बॉस, हे
मुझे नींद नहीं आ रही है। तुझे भी नींद नहीं आ रही है क्या? जिस टाइम पर तुम इस तरीके से खड़े थे, मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है। मेरी जिंदगी एक हॉरर मूवी बन गई है। ओ लॉर्ड शिवा, ओ लॉर्ड शिवा। केशव, क्या तुम्हारा चश्मा? मेरे पास कॉफी के पैसे नहीं है तो चश्मा कहां से लूंगा? हेलो बॉस, तुम्हारा न्यू गेटअप तो बढ़िया है। मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे हमें तो लेफ्ट जाना था, तो स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं? कल रात तुम डर गए थे, इसीलिए भगवान में मानने लगे। हे, हमें वहां से लेफ्ट लेना था, तो हम मंदिर के सामने क्यों? मैं वहां कब से लेफ्ट लेफ्ट चिल्ला रहा था, मुझे लगा कि तुम्हें मंदिर जाना है, इसीलिए मैं चुप रहा। मंदिर और मैं, तू पागल हो गया क्या? बकवास कर रहे हैं। अच्छा सुन, मैंने कुछ किया क्या? तुम रात को ढंग से सोई नहीं हो ना, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। चलो ऑफिस चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ ऐसा खाएंगे जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाय। हाय। सेट को फर्स्ट पेज पे रखना। सर, आपने एक बहुत बड़ी गलती की। आपने अपाहिजों पे आर्टिकल छापा होता तो बहुत सी जिंदगियां बच जाती सर। कौन सा आर्टिकल, क्या कह रहे हो? आप क्यों खड़े हैं सर यहां पर? मैं यहां बैठा क्यों हूं? अच्छा जोक मारते हो। हां सच में। आओ बैठो, ये बहुत जरूरी बात है। सुनो, 20 सरोजी देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, क्या तुम उनका इंटरव्यू लोगे? बिल्कुल सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। उनका एड्रेस भेजिए, मैं पहुंच जाऊंगा सर। ओके ठीक है, श्योर। सर, मैंने बाहर कुछ किया था क्या? मैं बैठा हुआ था और आप खड़े हुए थे सर। जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा, जाओ। ओके। नमस्ते मैडम। नमस्कार। May God bless you. तो मेरे पैरों पर क्यों गिर गए? मैं तो बस आपका आशीर्वाद ले रहा था। पिताजी ने बड़ों के पैर छूने का मतलब बताया है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आपने मुश्किलें झेली हैं, बड़ी मेहनत से आप यहाँ तक आई हैं, इसलिए हम सबको आपसे सीखने की बहुत जरूरत है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है,
तुम्हारे जैसे लड़के को इंटरव्यू देकर मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू मैडम। जब भी किट्टू रानी चिनम्मा का नाम याद आता है हमें आप याद आती हैं। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, आपको कैसा लग रहा है? उस दिन मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला था जब लोगों को मेरी एक्टिंग काफी पसंद आई थी। अब ये सब तो भगवान की कृपा है, उसके आगे हम क्या हैं? वाह, एक्सीलेंट वर्ड्स। ये डॉक्टर राजकुमार ने कहा था जब उन्होंने मेरू ड्रामा में काम किया था। वो अपने फैंस को भगवान मानते थे। मैंने उनके साथ काम किया तो उनसे ना सीखूं ऐसे कैसे हो सकता है? आज भी वो एक्टिंग के किंग हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट फिल्म्स कौन कौन सी बताइए। वो कौन है? वो फिल्म आपको क्यों पसंद है मैडम? क्योंकि तब मैंने एवरग्रीन सुपरस्टार और फ्यूचर सुपरस्टार दोनों के साथ उस मूवी में काम किया था। वो तो ही गोल्डन एक्सपीरियंस था। क्या बात है ना? अरे क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मारा? इनको क्यों मारा मुझे? बोल क्यों मारा मुझे? सर, मुझे क्यों मारा? बोल क्यों मारा मुझे? क्या इंसाफ मांगना गलत है? वो कौन है? मुझे क्यों मार रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? सर सर प्लीज सर प्लीज सर छोड़िए छोड़िए उन्हें। आ
क्या हुआ यहाँ पर? मुझे क्या हुआ है? क्या मामले को यही रफा दफा करें? नहीं। क्या 500 और दूं? 200 और दो। 200 और? यस, मामला खत्म। बॉस, क्या मैंने कुछ किया था? अरे बताना। तुम क्या बोल रहे हो गगन? सच में आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ सर? सर आप यहाँ पर क्यों आए सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये बंदा पागल हो गया है। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने मारा? किसे मारा? ओह, बी सरोज देवी को मारा क्या? हे भगवान! ये सरोजा देवी नहीं, तुमने यहाँ के वीआईपी गेस्ट प्रभाकर रेड्डी को मारा, फेमस क्रिमिनल लॉयर। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने मारा? वो तो उसने कंप्लेन नहीं की और मैंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। सर मैं उसे क्यों मारूंगा सर? ये नाम तो मैं पहली बार आपके मुझे सुना हूँ सर। सर मैं तो मैडम का इंटरव्यू ले रहा था। मैडम कहाँ हैं सर? तुम्हारी लड़ाई देखकर उन्हें चक्कर आ गया, अभी उन्हें बोतल लग रही है। अरे बाप रे, सच में? सर पहले मैं उनके साथ इंटरव्यू खत्म कर देता हूँ। क्यों भाई? मैं किसी अनजान आदमी को क्यों मारूंगा आखिर? मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। सबके सब लगता है पागल हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज एक घंटे बाद देना। आप ऐसे यहाँ पर? क्या मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया? नाम क्या है तुम्हारा? मैंने बताया तो था, गगन दीक्षित मेरा नाम है। नहीं हमें तुम्हें एक्टिंग का राजा कहना चाहिए। एक्टिंग का राजा? और मैं? क्या कह रही हैं आप? मैडम आप मजाक कर रही हैं। ए, मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, तुमने उसको क्यों मारा? ये भी कह रही है कि मैंने मुझसे मारा? मैडम मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ। अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप। अगर मैंने आपका इंटरव्यू खत्म नहीं किया तो मेरा जर्नलिस्ट होना ही बेकार है मैडम। इसलिए वो सब छोड़िए, पहले इंटरव्यू खत्म कर देते हैं। आपका फेवरेट फूड, फेवरेट फिल्म, फेवरेट कलर? अम्मा प्लीज बताइए ना। अम्मा प्लीज, अम्मा प्लीज, प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज अम्मा, प्लीज अम्मा बताइए ना प्लीज। तुम में मुझको एक छोटा बच्चा नजर आता है। पूछो। नमस्ते सर। किसने ये सब किसने किया? तुम मेरे बर्थडे के लिए आए थे और अभी हॉस्पिटल में हो। मैं उसे नहीं जानता, उसे पहली बार ही देखा था मैंने। पर ओके सर, ओके सर। बोलो। मारते वक्त उसने जो कहा वो मुझसे जुड़ा हुआ था, साथ ही तुम्हारे और मेरे इलीगल बिजनेस से भी जुड़ा हुआ। क्यों समझ रहे हो ना तुम? सच में? हाँ, इसी कारण से मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। मैं लॉयर हूँ फिर भी अपने आप पर मुझे शर्म आती है। आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी खत्म होती, मैं उसके बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दूंगा। मैं भी ढूंढता हूँ। ए, क्या कर रहा है तू? अगर मकान मालिक ने देख लिया तो तुझे जान से मार देगा, समझ गया ना? देख, उसे जो करना है उसे करने दे, पहले तू ठीक हो जा। अबे तू भी ना। ए, मैं कल से सुन रहा हूँ, आखिर हुआ क्या था बता? एक सबूत दिखा कि मैंने कुछ और किया है। तुम अपने बिहेवियर का टाइम टेबल दे दो, मैं अपने कैमरामैन को बुलवा कर वो शूट कर लूंगा। मैं समय के साथ बदलता नहीं हूँ बल्कि रहता हूँ, समझ गया ना? रुको रुको रुको, यार तुमने कहा था भाई इस घर में आने के बाद तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? हमने धागा, शांति और नींद सब खो दिया। तुम्हें नहीं लगता जब से हम यहाँ पे आए हैं सब बुराई हो रहा है? अबे किसने कहा?
इस घर में आने के बाद हम मिनिस्टर से मिले, ठीक है ना? साक्षी ने एड्रेस भी दे दिया, बी सरोजा देवी का इंटरव्यू भी हमने लिया। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए बे, तभी हमें महसूस होगा कि हम घर में नहीं जन्नत में हैं। देख फोन बज रहा है। फोन बजने से सब सच हो गया? यार तुम तो बिल्कुल उस लड़के की तरह बोल रहे हो। अबे देख मिनिस्टर का कॉल है। हेलो। हेलो अप्पा जी, कैसे हो? सुपर। तुम्हें शाम को मेरे 5-स्टार होटल में आना है। क्यों सर? अगर तुमने एयरपोर्ट पर उस दिन मुझे बचाया नहीं होता तो आज इस तरह मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता। फ्यूनरल, आज मेरा फ्यूनरल होता। मैं जरूर आऊंगा सर। सर मेरा एक दोस्त फिल्म डायरेक्टर है, क्या मैं उसे भी लेकर आ सकता हूँ सर? प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल, योर फ्रेंड्स आर माय फ्रेंड्स। थैंक यू सर। ठीक है सर। मैंने गलती से कह दिया कि ये घर अशुभ है। अबे केशव, मिनिस्टर का बर्थडे आज शाम को मनाएंगे, क्या तेरी फिल्म की बात करूं वहाँ? वैसे तू अशुभ घर में है ना? तुम बिल्कुल सही हो। इस घर में आने के बाद मेरा लक बिल्कुल बदल गया है। मैं आपसे यहीं रहूंगा। तुम बिल्कुल सही थे, ये तो भगवान का घर है। आहा, तू खुद को सिचुएशन के हिसाब से बदल लेता है, इसलिए भले ही तुम भगवान को मानते हो लेकिन तुम में भगवान है, मैं नहीं मानता। मैं रात को मैसेज करूंगा। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो। ये देखकर तो लगता है जन्नत में है। नॉलेज शो ऑफ से बेटर है। अच्छा वाकई? यहाँ के डेकोरेशन के पैसों से तो मेरी फिल्म बन जाएगी। मुझे मिनिस्टर से मिलवाना। अबे इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, यहाँ पर तुम अपनी स्किल्स को दिखाना। ओके गुरु, बाहर स्किल्स दिखाने के लिए थोड़ा पीना पड़ेगा। देख पीकर कोई नाटक मत करना, ठीक है? यहाँ पर मीडिया आई हुई है। अकेले आता तो जरूर कोई हरकत कर देता, लेकिन तुम मेरे साथ आए हो तो इसलिए समझ सकते हो। थैंक यू सर। हाय सर। वेलकम सर, कम इन सर। अरे सर आप कहाँ रह गए? मिनिस्टर सर तो आपके बारे में कब से पूछ रहे थे। सर कहाँ पर हैं? उनके गुरुजी ने उनसे कहा है कि 8 बजे से पहले उनके रूम से ना निकले। अगर पहले निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो उनकी जिंदगी खतरे में होगी। तब तक हमें मेहमानों का मनोरंजन करना था, इसीलिए हमने बार और बैंड का अरेंजमेंट करवाया है। गुरु जूस। अरेंजमेंट बढ़िया है, थैंक यू। तूने कुछ मिक्स किया इसमें? नहीं। पक्का कुछ मिक्स नहीं किया ना तूने? क्योंकि पीने के बाद मैं होश में नहीं होता हूं। क्या करते हो? थोड़ा टेम्पो बढ़ाओ रे, टेम्पो बढ़ाओ। यहाँ टेम्पो क्यों आएगा? वो टेम्पो नहीं तो कौन सा टेम्पो? हाय हाय हाय। सेंट्रल मिनिस्टर श्रीमान घनश्याम यादव कुछ सेकंड्स में आ रहे हैं। यार केशव, मिनिस्टर आने वाला है और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे स्वेट निकल रहा है। अरे एक काम करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सर, अप्पा जी का है? कुछ देर पहले तो यही सिंगिंग और डांसिंग कर रहे थे, देखिए वो रहे सर। ये चश्मा यहां पर कैसे आ गया? कौन है? अप्पा जी। हाय अप्पा जी। अपना हाथ हटा। क्या कहा? हाथ हटा अपना, मैंने कहा हाथ हटा। आ, 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 आ,
तुम सब शांत क्यों हो गए? अरे ये तो बर्थडे बैश था। क्या ये सच में बर्थडे बैश था? हाँ बर्थडे बैश था, तालियां बजाओ मिनिस्टर के लिए। चीयर्स बर्थडे बॉय 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 के लिए। चीयर्स बर्थडे बॉय। चीयर्स हैप्पी बर्थडे। हर कोई बर्थडे पे चेहरे पर केक लगाता है, पर तुमने तो मेरा चेहरा ही केक में डुबो दिया। चलो छोड़ो, तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरी जिंदगी बचाने वाले रक्षक हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अप्पा जी, नहीं नहीं सर। सर सर उन्हें मारिए मत। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? तुम मेरे फ्रेंड हो, छोड़ो मुझे। अरे क्यों? अरे अरे छोड़ो मुझे। आ, 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 माफ कर दो मुझे। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने न्याय मांगा था, क्या ये गलत था? मुझे तुम्हारी मौत चाहिए, तुम्हारी मौत चाहिए मुझे। घनश्याम यादव पर घोस्ट अटैक। ब्रेकिंग न्यूज। अटैक ऑन सेंट्रल मिनिस्टर घनश्याम यादव। मिनिस्टर के बर्थडे पर जर्नलिस्ट गगन दीक्षित ने मिनिस्टर पर प्रेस, पब्लिक और पुलिस के सामने किया हमला। इसी ने मुझे मारा था, यही था। तुम्हें मारने वाला भी यही था? हाँ। गुरुजी के कहे मुताबिक ही मैंने 8 बजे पार्टी शुरू की, फिर ये कैसे हो गया? मुझे अपने ऊपर होने वाले ग्रह नक्षत्रों के असर का पता होना चाहिए। फिर ये सब कैसे हो गया है? गुरुजी कहाँ है? सर वो जिसने मुझे बचाया वही मुझे मार रहा था, इसका कोई तो कारण होगा। गुरुजी, गुरुजी आ रहे। ग्रह नक्षत्र, सितारे, बेवकूफों वाली बातें मत करो। उसने हमारे पास आकर हमें ही मारा, इसका क्या मतलब हुआ? हमें उसे मारने के लिए हमारे आदमियों को भेजना चाहिए। ए, फोन दो। लो लीजिए। वो है कहाँ? ए, दूर रहो, सर चिल्ला रहे, डिस्टर्ब मत करो। के बाद मैंने क्या किया कुछ समझ नहीं आ रहा,
कुछ भी याद नहीं मुझे। रुकिए, मैं पूछता हूँ सर। ठीक है सर। बेल पेपर्स, वो मेंटली बीमार है इसलिए उसका बर्ताव ऐसा है। कांस्टेबल सर आओ। लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो तुम्हें पागल कहे या शराबी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो धागा जो मैंने तुम्हें बांधा था वो तुमने खो दिया, बिना ये जाने कि उसका क्या महत्व है। अब पता नहीं क्या होगा। पापा मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मिनिस्टर को मैंने मारा है। सच कह रहा हूं मैं। पापा आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा? मिनिस्टर प्यार से मुझे अप्पा जी बुलाते हैं। चाहो तो आप केशव से पूछ सकते हो। कौन? तुम्हारा दोस्त? जानते भी हो तुम्हारा दोस्त टीवी के सामने क्या बक रहा है? प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब से उसने अपना धागा खोल दिया। उस घर में भूत है और उसी भूत ने उस पर कब्जा कर रखा है। थू! नॉनसेंस! उसकी फिल्म पूरी नहीं हुई है इसलिए वो कुछ भी बकते जा रहा है। पापा वो कुछ भी नहीं बोल रहा। जरा ये देखो, देखो पता चल जाएगा। देखो इसे। मैं घनश्याम यादव घोस्ट अटैक पर एक नया मोड। गगन दीक्षित को बेल मिल गई है। वो स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। क्या वो पॉसेस्ड हैं या फिर गुस्से में हैं? चलिए उन्हीं से जानते हैं। ए पीछे हटो, पीछे हटो रे, पीछे हटो, पीछे हटो। ना स्वामी, रिलैक्स रिलैक्स। आप आ गए, वेलकम। देखिए आपके भक्त को कैसे बेरहमी से मारा है उसने। स्वामी जी मेरा एक छोटा सा डाउट है, वो मेरा दोस्त है या दुश्मन, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इसे देखिए, ना ये उसको जानता था ना वो इसको जानता है, पर तब भी उसने इसे इतना मारा। आप ही हमें बचा सकते है। उसने नहीं किया है? उसने तुम्हें नहीं मारा। हेलो सर, रिपोर्टर गगन दीक्षित को बेल मिल गई। सच में? हाँ सर। क्या उसे बेल मिल गई? बेल? रिपोर्टर गगन दीक्षित जिसने मिनिस्टर पर हमला किया था उसे बेल मिल गई है। ये तुम्हारे जूनियर लॉयर का घर है ना? दिस हाउस इज वेल नोन एज अ हॉन्टेड हाउस ऑफ द स्ट्रीट। वही पर तो हमने। हाँ। व्हाई डिड द स्पिरिट अटैक द मिनिस्टर? ये है सारा सच। ये आत्मा का काम है। आत्मा का? तुम्हारे किए गए पापों की सजा तुम्हें मिल रही है, वरना आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। स्वामी जी आप बस बोलिए कि हमें क्या करना होगा। मिनिस्टर घनश्याम यादव पर जिस रिपोर्टर ने हमला किया था वो बेल लेकर घर आ गए हैं। ये उनका घर है। उन्हें यहाँ आए हुए बस 2 हफ्ते ही हुए हैं। इसे इस एरिए का भूतिया घर भी कहा जाता है। एक इंसान ने यहाँ पे खुदकुशी की थी। क्या वही आत्मा अब गगन को परेशान कर रही है? अगर आत्मा वाली बातें सच हैं, तो आत्मा मिनिस्टर को क्यों मारना चाहती है? मिनिस्टर को इसका जवाब देना होगा। तुमने एक बड़ी गलती कर दी। तुमने मेंटल इलनेस बताया है, इससे इसकी पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर। क्या बकवास है, इसने किसी रास्ते में चलते किसी आम इंसान को नहीं मारा है, सेंट्रल मिनिस्टर को मारा है। कोर्ट किसी दूसरे कारण से इसे नहीं छोड़ती। तुमने बड़ी गलती की है। हेलो सर, उठो उठो और घर जल्दी खाली करो, खाली करो।
तुम्हारे आने से पहले खाली यहाँ के लोग जानते थे कि यह भूतिया घर है, अब पूरा देश जानता है, घर जल्दी से खाली करो, जाओ यहाँ। जरूर जाएंगे, हमें भी ऐसे घर में रहने का शौक नहीं है, चलो बेटा इस घर में आत्मा बसी है। ओ, आप लोग चुप बैठेंगे प्लीज। आप आत्मा की बात कर रहे हैं ना, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ जो मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने लॉयर को मारा है मगर इस बात का सबूत नहीं है। मैंने मिनिस्टर को क्यों मारा मैं खुद नहीं जानता। इसने मुझे शराब पिलाई थी, आप लॉजिकली क्यों नहीं सोच रहे कि शराब पीने के बाद ये सब कुछ हुआ है? फिर आप क्यों इस घर को और यहाँ हुए सुसाइड को आपस में जोड़ रहे हैं? बाकी चीजों को मत जोड़िए एक साथ, ये सब कुछ गलत है। साक्षी, तुम ही लोगों को समझाओ प्लीज। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। जैसा कि ये कह रहे हैं, तुम पर जरूर किसी आत्मा का साया होगा। What nonsense? अरे मैं वहाँ ऊपर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। इस घर का एड्रेस और जो एड्रेस तुम ढूंढ रहे थे दोनों एक ही है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखो, श्रुति क्या इसी घर में रहती थी? श्रुति? श्रुति, मेरे पास आने की जगह तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने खुदकुशी क्यों की? तुम्हें जिंदगी पसंद थी तो फिर खुदकुशी क्यों की? पता नहीं उसने खुदकुशी क्यों की, मुझे उसके और तुम्हारे बीच का रिश्ता नहीं पता, पर तुम पर जरूर श्रुति का कब्जा है। तुम्हें मुझे उसके मरने का कारण बताना होगा। श्रुति, 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 मीडिया के लोग कह रहे हैं मिनिस्टर ने उसे मारा होगा। श्रुति की जो आत्मा है वो अपनी मौत का बदला चाहती है। श्रुति, श्रुति, हे गगन, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? कौन है श्रुति? एक साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था डिसेबल्ड फंड्स अलॉटमेंट के बारे में। उसने उस आर्टिकल के ऊपर कमेंट किया था, वो कमेंट उस आर्टिकल से भी ज्यादा अच्छा था। वो थी श्रुति। हमारी दोस्ती शुरू हुई और हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। मुझे उससे प्यार होने लगा, मैं उससे सच में प्यार करने लग गया था। दो महीने पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पहली बार मैं उससे मिला था, वो दिन मुझे आज भी याद है। डिले हो गई थी, हम चले? हाँ, किस तरफ जाना है मुझे? सॉरी, उस तरफ से आओ। Yes! अचानक कोलकाता कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम्हें देखने का मन कर रहा था। तुम्हारा ये सफेद झूठ सुनकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई, सच कह रहा हूँ। जल्दी से अपना असली कारण बता दो मुझे। यही सच है, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ। तो ठीक है, मैंने मान भी लिया। तो कोलकाता में तुम किस होटल में रुकी हो ये बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कोई होटल बुक नहीं किया है। मजाक कर रही हो क्या तुम? तुम अभी फेस्टिवल सीजन में आई हो, कोलकाता में होटल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सारे होटल फुल होंगे। ओह,
मुझे अपने घर लेकर नहीं जाओगे? अरे बॉस, तुम ये सोच रहे हो कि जो तुम कहना चाहते थे वो मैंने कह दिया? मुझे सुनकर अच्छा लगा, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्लीज अब सच बता दो, क्या तुम कोलकाता सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई हो? क्या हम चलें? सच में? आओ। गगन, क्या बात है, लड़की लाए हो? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी दोस्त है ये। अच्छा। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, आराम से आओ। ओ संभल कर, देखो तुम यहाँ पर रुको, एक दो और वो तीन, तीसरा वाला रूम मेरा है, जब मैं बुलाऊंगा तो आना। हाँ ठीक है, 2 मिनट्स। आता हूँ। घर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होगी। ये भी आ गई। ओहो, जब मेहमान आते हैं तभी इस घर की सफाई होती है। जरा इसे चेक करता हूँ, लगता है दूसरा कुशन लेना ही पड़ेगा। ये बुक्स तो मेरी समझ में ही नहीं आती है, मुझे इन्हें बेच देना चाहिए था। इसे अभी यहीं पर रहने देते हैं, ये पुराना हो गया। ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये बुक शेल्फर होंगी तो घर ज्यादा साफ दिखाई देगा। अरे तुम आ गई यार, इतनी भी क्या अर्जेंसी थी? अच्छा टॉयलेट जाना होगा, उस तरफ राइट में। अरे नहीं, सिर्फ 2 मिनट्स नहीं, तुम्हारे कमरे की सफाई में 1 हफ्ता लगेगा। तुम इसे छोड़ो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। थैंक यू सो मच, ये बैचलर का रूम है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जो कि तुमसे कहे कि तुम ऊपर बेड पे सो जाना, मैं नीचे यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। सोफे पे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। तुम यहाँ पर रहने के लिए अगर आ ही गई हो तो मैं बेड पर सोऊंगा और तुम्हें नीचे यहाँ सोफे पर एडजस्ट करना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे बापरे, इतनी जल्दी तुम मान भी गई? मुझे लगा कि तुम लॉयर हो, थोड़ा बहुत बहस वहस करोगी और फिर मानोगी। लॉयर्स उनसे बहस नहीं करते जिनसे प्यार करते हैं। सॉरी, टी? ओ टी, या श्योर, एक मिनट प्लीज, तुम चेंज करो, रिलैक्स हो जाओ, मैं भी लाता हूँ। ओके। हे, मुझे अब सच बताओ, तुम कोलकाता किस लिए आई हो? बोलो। मैं केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आई हूँ। मुझे लगा ही था तुम यहाँ किसी खास काम से आई होगी, लेकिन तुमने भरोसा करके मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया, रियली ग्रेट। अब हमारे देश में भी लड़कियां थोड़ी सी बोल्ड होती जा रही हैं, अच्छी बात है ये। थैंक यू। इस कप को कहाँ रखूं? हे, मुझको मत देना, अच्छे से धोकर वहां शेल्फ पे रख देना, ठीक है ना? उस तरफ शेल्फ पे। ओके। हे, मैं मजाक कर रहा था, वहीं पे रख दो, मैं धो दूंगा और रख दूंगा। अगर मुझे इससे प्यार हो गया तो यही सब कुछ करना पड़ेगा। श्रुति, क्या हुआ? हे श्रुति, क्या हुआ? मेरा पैर तुम्हारी चट्टी में फंस गया। जरूरत के वक्त पे तो मिलता नहीं, यहाँ पर पड़ा हुआ है। अरे कितनी गंदगी मचा कर रखी है, कहीं भी कपड़े फेंकोगे तो ऐसा ही तो होगा। भगवान, मेरा चश्मा कहाँ गिर गया? मेरा चश्मा गिरा और हे, मैं भी एक तरह से अपाहिज हूँ, बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी छोड़ो, भगवान ने कितनी सारे अपाहिज लोगों को बनाया है, कितनी मुश्किल होगी उनकी जिंदगी। तुम्हारे आर्टिकल के बाद ही मैंने ऐसे लोगों की मदद करने को सोचा, मुझे लगा तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है। अरे श्रुति, वो तो मैंने पेपर के लिए ऐसे ही लिख दिया था, तुमने क्या उसे सीरियसली ले लिया? पता नहीं, पर तुम्हारे आर्टिकल ने मुझ में मदद करने की इच्छा जगाई। तुम्हें पता है हमारे देश में अपाहिज लोगों के लिए कितना पैसा अलॉट किया जाता है? 950 करोड़।
अपाहिज लोगों के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर घनश्याम की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वो एक नकली नाम से एक सपोर्ट कैंपेन चला रहे हैं। वो सिर्फ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हमारी ऑफिस क्लर्क का एक बेटा था, उसका नाम था गंगाधर। 10th स्टैंडर्ड में टॉपर था, वो भी अपाहिज था। उसको सरकार ने एक ट्राइसिकल दी थी। ध्यान से, साइकिल अच्छी है ना? पापा 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 साइकिल। अरे बेटा प्लीज साइकिल रोकिए पापा। साइकिल पाने वाले दिन ही एक्सीडेंट में वो मर गया। डुप्लीकेट प्रोडक्ट देने की जगह अगर वो कुछ ना ही देते तो आज वो जिंदा होता। हमारे सीनियर लॉयर प्रभाकर ने ये केस हैंडल करने का सोचा था। प्लीज काम डाउन श्रुति, उस डुप्लीकेट साइकिल के हर पार्ट्स की डिटेल इकट्ठी करो, कुछ भी मत छोड़ना। वो कितने पावरफुल है इसकी चिंता नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। बस हमें ये केस हारना नहीं है। ओके ओके सर, मैंने साइकिल के डिफेक्ट्स के बारे में पता लगाया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, केस अब तक सॉल्व ही नहीं हुआ। लेकिन क्यों? मेरा सीनियर लॉयर प्रभाकर रेड्डी घनश्याम यादव का पार्टनर बन गया। गंगाधर जैसे आम इंसान के केस को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। हमारी मीडिया इसे जरूरी नहीं समझेगी। मैंने तुम्हारे बैंगलोर ब्रांच के एडिटर अविनाश को भी बताया। मैंने उनसे कहा कि हम पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए आर्टिकल्स पब्लिश करें। मैंने बहुत बार कॉल किया, रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसीलिए अब मैं देश भर में ऐसे केसेस की रिसर्च कर रही हूँ। एक मिनट। कितनी खूबसूरत है, इसका कैरेक्टर और इसकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। ये कितनी मासूम लड़की है। वो चश्मे के बिना नहीं देख पाती है तो क्या, मैं पूरी जिंदगी इसकी आंखें बनूंगा। नाउ आई नीड योर हेल्प। मुझे खबर मिली है कि ऐसे केस की जानकारी कोलकाता की एक जगह से मिल सकती है। तुम्हें मुझे वहां ले जाना होगा। श्योर, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो कल मुझे काली माता के मंदिर ले जाना। कल काली माता का आशीर्वाद ले लेंगे फिर चलेंगे। ठीक है ठीक है, काली मंदिर के बाद ही चलेंगे। हे, तुम ये क्यों लगा रहे हो? कौन से भगवान की फोटो है? खुद ही देख लो। हे, ये फोटो तो तुम्हारे आर्टिकल की है। इसी आर्टिकल की वजह से हम दोनों मिले हैं। मेरे लिए तो यही भगवान है, समझ गई, इसीलिए यहाँ लगा दिया। ओके, तुम अंदर बेड पर सो जाना और मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। पर सुबह तो तुमने कुछ और ही बोला था। अरे मैंने तो अपना मन बस ऐसे ही बदल लिया, ठीक है ना? मन बदल गया तो जगह भी बदल रहा हूँ। तुम अंदर सो जाना आराम से, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। गुड नाइट। अंदर क्यों नहीं आए? भगवान पर भरोसा नहीं करते? क्या है कि मैं लोगों और रिश्तों पर ज्यादा विश्वास करता हूँ, ना कि भगवान पर। अगर तुम सबके लिए अच्छा सोचोगी तो आसपास के लोगों के साथ अच्छा ही होगा, यही भगवान है। अगर तुम लोगों के साथ बुरा सोचोगी तो बुरा ही होगा, और ये शैतान है। नाइस। देखो श्रुति, तुम खुद को ही देख लो,
तुम अपाहिज लोगों के लिए इंसाफ मांग रही हो और मेरी नजर में ये बहुत अच्छी सोच है, इसीलिए मेरे लिए तो तुम ही काली माता हो, साक्षात काली माता। हाँ, थैंक यू। हे भक्त, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो। मांगो। श्रुति, मैं जिंदगी भर तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। मांगो। पता नहीं क्यों मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ श्रुति, शायद प्यार चीज ही ऐसी है। मांगो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। yes. ये सब मेरी अच्छी यादें रहेंगी। You're welcome. क्या मैं तुम्हें I love you बोल दूं श्रुति? क्या बात है? कुछ भी नहीं। प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? Love ना, It's a wonderful feeling. दुनिया में इसकी जरूरत है। मेरा भी। जानते हो, दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार प्यार ही है। मेरे अंकल ने बचपन से मुझे अंधेरे में रखा, जितना हो सके झूठ बोला और एक दिन अनाथ आश्रम भेज दिया। वो कोर्ट में नकली गवाह बनकर जाया करते थे। वो शुरू से ही ऐसा करते रहे थे और जब मैं लॉयर बनी तो मेरे ही हाथों पकड़े गए। मुझे यकीन नहीं होता, मुझसे पैसे मांगने की जगह पर आप कोर्ट में नकली गवाह बनकर चले आए, और ये तो हाफ मर्डर केस था। श्रुति, मैं क्या करता? मेरे भी खर्चे हैं। कितनी बार मैं तुमसे पैसा मांगता? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये सारे गलत काम छोड़कर अच्छे काम करना शुरू कीजिए। मुझसे प्यार करते थे इसीलिए ये सब काम छोड़ दिए उन्होंने और अब एक सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। ये होती है प्यार की ताकत। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम उनका ध्यान रखोगे? हे श्रुति, आखिर तुम्हें क्या होगा? हम चले, फ्लाइट के लिए देर हो रही है ना? हाँ चलो। हाय, मैं प्यार का इजहार करना चाहता था पर उसके अंकल बीच में टपक गए, यहाँ कुछ नहीं कह पाया। अब कार में कोशिश करता हूँ। So, Mr. Gagan, why are you so silent? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। लोग बहुत मतलबी होते हैं लेकिन तुम दूसरों के भलाई के लिए लगातार लड़ाई कर रही हो, ये अच्छी बात है। तुम एक बहादुर लड़की हो श्रुति, बहुत बहादुर। अगर मैंने कुछ बुरा किया होता तो मैं तुमसे डरता, बहुत ज्यादा डरता। एक उंगली को चुनो, जल्दी से चुनो, जो भी तुम्हें पसंद हो। ये इसका मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए। हे, तो ये। ए, तुमने इसको क्यों छू लिया? इसका मतलब कि तुम्हें कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। Are you serious? हाँ। You're yes. crazy. बाय बाय। सॉरी। शायद देर हो गई है, क्या प्यार का इजहार कर दूं मैं? क्या कह दूं इससे? क्या कह दूं? श्रुति, वन मिनट श्रुति। वो मैं बोल दे यार प्लीज, आई रियली लव यू। तुम भी बाकी लड़कों जैसे ही निकले। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। हे प्लीज, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी है।
तुम फ्लाइट से जाने वाली हो, बादलों के बीच से होकर फ्लाइट जाएगी, वहां पर मेरे बारे में सोचना, फ्रेश माइंड से सोचना एक बार। लैंडिंग होने के बाद तुम फैसला करना और मुझे कॉल पे बता देना, मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। पता नहीं क्यों प्रपोज करने के बाद मुझे अब बहुत डर लग रहा है, पहले इतना डर कभी नहीं लगा। लड़कों को शर्म भी आती है ना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। वो लास्ट मीटिंग थी उस दिन जो उसका फोन स्विच ऑफ हुआ, तो आज तक उसका फोन ऑन नहीं हुआ। सोशल मीडिया में उसका कोई अकाउंट नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वो मुझे अवॉइड कर रही है। 2 महीनों से मुझे उसका एड्रेस नहीं पता था, इसलिए उसे ढूंढते हुए यहां पर आ गया। मुझे लगा शायद हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। श्रुति खुदकुशी करने वाली लड़कियों में से बिल्कुल नहीं। शायद से वो सच बोल रहे हैं, वरना तुम सेम घर में ही क्यों आते, उस धागे को क्यों खोलते? श्रुति की आत्मा तुम्हारे शरीर में है, इसलिए ये सब हो रहा है। शायद बाहर लोग सच ही कह रहे हैं। सर आपने सुना, आपके लिए बैड लक। स्वामी जी सुना आपने? स्वामी जी अगर उस पर आत्मा ने कब्जा किया है और उसने हमें मारना शुरू किया, तो ये तो पक्की बात है कि हम तो मर ही जाएंगे ना स्वामी जी। हमें किसी तरह बचा लीजिए स्वामी जी। उसके अंदर जो आत्मा है उसको आज ही निकालना होगा। पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ी है, वो पागल है या नहीं बस इसी पर चर्चा चल रही है। वो लोग हर एक मूवमेंट को कवर कर रहे हैं। कैसे? उसने अपनी बेल के लिए मेंटल इलनेस का रीजन दिया है, तो हम आसानी से उसे आपके पास ला सकते हैं। बोलेंगे निमांस ले जा रहे हैं आश्रम में। स्मशान काली भूमा का इस्तेमाल करूंगा तुरंत। मैं उसे तुरंत घर से निकालता। एक्सक्यूज मी मिस्टर गगन, आपको निमांस शिफ्ट करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर आया है, प्लीज कोऑपरेट। सर बताइए ना क्या हो रहा है। सर सर प्लीज, ये कोई लीगल मैटर नहीं है, उसके शरीर में आत्मा है। आप उसे हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो? मेरी बात सुनो, उसे निमहांस ले जाने का क्या फायदा? एक आदमी जो खुद को श्रुति का अंकल बता रहा है, मीडिया के सामने बहुत बकवास कर रहा है, मैं उसे भी भेजता हूँ। आपको उसकी मौत का पता होना चाहिए। श्रुति प्लीज मत जाओ, श्रुति रुको। श्रुति सर, गगन जिस एम्बुलेंस में है वो निमहंस की जगह दूसरी साइड से जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है, मैं मीडिया वहां भेजता हूँ। ओके सर, मैं लॉयर को इन्फॉर्म करता हूँ।
त्रि नेत्राय नमः। ओम विश्व भूते नमः। घर में रह रहे हो और जिस एड्रेस को तुम ढूंढ रहे हो वो सेम है। अथर्वण वेद वालों को आने दो। ये सब क्या हो रहा है सर? आप जी मैंने ये अरेंजमेंट्स करवाए। कैसे हैं? हैं? सर, आपको मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया था सर। मैं जानता हूँ मैं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारी लवर श्रुति की आत्मा तुम्हारे अंदर है, उससे मेरी दुश्मनी है। इसका मतलब श्रुति ने खुदकुशी नहीं, वो मर्डर था, हमने किया था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? श्रुति तुम्हारी लवर थी, गुस्सा आना तो बनता है। दुखी हो, समझ सकता हूँ। हमने उसे हमारी लाइफस्टाइल फॉलो करने को कहा, लेकिन उसने मना किया और कहा हमारी लाइफस्टाइल गलत है, तो हम कैसे जीते, इसलिए उसे मारना पड़ा। हाँ, यू डोंट वरी, हम तुम्हारे अंदर से वो आत्मा निकाल देंगे। श्रुति दूसरों को परेशान करने वालों में से नहीं थी, लेकिन कोई उसे परेशान करे तो। गुरु, वो आ गई, देखो से, वो आ गई। रुको, रुक कर देखते जाओ। डरो मत, क्या
निकल जाओ, निकल जाओ। मैं तुम्हारे अंकल को मार डालूंगा। नहीं श्रुति, प्लीज मत आना, मत आना। नहीं श्रुति, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, दूर चली जाओ, पास मत आना। बताओ पास। आ गई तो इसे मार दूंगा। सर, रिपोर्टर गगन दीक्षित यही है, मीडिया आ गई है, कोई मंत्र चल रहा है, पूजा। मिनिस्टर मर चुके हैं सर, उनके साथ और लोग भी मरे हैं सर, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज मेडिकल इमरजेंसी भेजिए। मुझे यकीन नहीं होता कि इनके जैसे पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत आत्मा में विश्वास रखते हैं, वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी वाले इस मॉडर्न एज में। योर ऑनर, इट्स अ सीरियस केस ऑफ एमपीटी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ही नीड्स ट्रीटमेंट, दैट्स ऑल। भूत प्रेत और आत्माओं के लिए किसी भी तरीके का कानून काम नहीं करता है, पर आप लोग भगवान की कसम खाकर सब कुछ सच सच कहते हैं यहाँ। और उस आत्मा को मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो कितनी खूंखार है और खतरनाक है ये सब मैं ही जानता हूँ। पर ये बातों को कोर्ट नहीं मानेगी। आपको मानना ही पड़ेगा, गगन को उन मौतों के बारे में कुछ नहीं पता है, ये सब कुछ उस आत्मा का काम है, यही सच है, और ये सब आपको मानना ही पड़ेगा। मैं सब कुछ सच कह रहा हूं। और मिस्टर गगन, क्या आपको इस पर कुछ कहना है? श्रुति खुदकुशी करने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। आत्मा और भूत प्रेत वाली बातों में
कोर्ट सबूतों में मानता है, इसीलिए स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सारी बातें हम नहीं मान सकते हैं और इसीलिए ये बात को नकारते हैं। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 84 के तहत हम गगन को एक कस्टडी में भेजते हैं और उसे अपने दिमाग का इलाज करवा कर आने की इजाजत देते हैं और यही है कोर्ट का फैसला। पास मत आना, मत आना, पास मार दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्तन, हटो यहां से, हटो, हट जा दुष्टात्मा। भगवान, इस आत्मा को निकालो, इसे मुक्ति दो। कौन सा भगवान, कौन सी श्रुति, कौन सी आत्मा, बताना मुझे। ये सब मेरे बनाए हुए किरदार थे और तुम मेरे ड्रामे का आखिरी किरदार हो। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर आत्मा का साया नहीं है। मुझे श्रुति की मौत का बदला लेना था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। कोई आत्मा नहीं है। इन कमीनों के हाथों मैंने श्रुति को मरते हुए देखा था, अपनी इन आंखों से। घर पहुंच गई। तुम्हारे बिना ये घर बहुत खाली लग रहा है श्रुति, मिसिंग यू। ये देखो, वो मेरे अंकल हैं। एक मिनट। हाय अंकल। हाँ श्रुति, तुम आ गई। स्पेशल बना रहे हैं? तुम्हारी फेवरेट डिश। सुपर्ब। ये लो, खाओ। थैंक यू। श्रुति, मैं एक लीटर दूध लेके आता हूँ। हाँ। मैं जल्दी आता हूँ। ओके। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ। ठीक है। जानते हो क्या? तुमको ना मेरे अंकल के हाथ का खाना खाना चाहिए। शादी के बाद तुम्हारे अंकल को हमारा कुक रख लेंगे। क्या कहा? कम अगेन? हे, मजाक कर रहा था यार मैं। मुझे कोई अच्छी सी न्यूज सुना दो प्लीज। वो क्या? हे, एयरपोर्ट पर एक लव स्टोरी थी, वही, उसके बारे में सुना दो। कोई आया है? नो प्रॉब्लम सर। श्रुति, श्रुति, तुमने हमारी बात नहीं मानी। हाँ श्रुति, हे, तुम्हारे अंकल कहाँ है? श्रुति, 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 अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, हमें जेल भेजना चाहती हो? हे, Hey, तुमने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे कहाँ हैं? वो हमें दे दो, दे दो, बताओ। श्रुति, 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 तुम्हारे अंकल कहाँ है? श्रुति, श्रुति, प्रभु, 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 अगर इसे मार दिया तो सबूत कौन देगा? नहीं, छोड़ दो उसे। हे, श्रुति, हे, छोड़ो उसे। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इंसान हो? शैतानों जैसा बर्ताव कर रहे हो?
मैंने पहले ही उसके खाने में जहर मिला दिया था। नहीं, हे, ये क्या बोल रहे हो? ये जरूरी था क्या? माफ करना श्रुति, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए थे। क्यों अंकल? मैंने ऐसा किया क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। माफ करना। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ ना अंकल। अंकल, हे, हे, अकाउंट में पैसे आ गए हैं। थैंक यू, जो करना है करो। नहीं, एक था सेंट्रल मिनिस्टर और दूसरा लॉयर। मैं जानता था मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचा जानबूझकर। जिन्हें भगवान पे भरोसा है वो इसे आत्मा का चक्कर कहेंगे और साइंस वाले इसे स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी। लोगों को जो सोचना है सोचे, कानून के हिसाब से मैं इनोसेंट हूं। मुझे मेंटल इलनेस है। अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 84, मेंटल इलनेस के चलते किसी को गुनाह की सजा नहीं मिल सकती। दुनिया को यह लगेगा कि मुझ पर आत्मा का साया है, और अगर तुम जैसा कोई कहेगा तो लोग यकीन कर लेंगे मैं पागल हूं या आत्मा के वश में हूं। किसी को भी इस वक्त पर पता नहीं चलेगा और ना इसका जवाब मिलेगा। उठो, प्रेस वाले आ चुके हैं। वैसे मेरे को कहना क्या है? उठो और अपने मंत्र पढ़ो, जल्दी करो। और क्या कहूं? अरे मैंने कहा कि हल्दी फेंको और मंत्र पढ़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। जय महाकाली, जय महाकाली, सुवेशाय नमः, सूर्यवंशम नमः, नमः ओम शमशानकाली नमः। शमशान तुम्हारी आखिरी जगह, जाओ वहां।